ठीक है, तो हम लोग मोलस्का वाला टॉपिक देख रहे थे, है ना। मोलस्का तो क्लासिफिकेशन चल रहा था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का देख रहे थे, है ना। तो हमने देखा था कि इसमें इंपॉर्टेंस जो है ना, पहला वाले में हमने देखा था गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, पहला वाले में हमने देखा था गैस्ट्रोपोडा। एक दूसरा एग्जांपल देखे थे बाइवेलिया, ठीक है, बाइवेलिया। और थर्ड नंबर में देखा था हमने सीफेलोपोडा, ठीक है, ये तीन हमने देखा था, ठीक है। गैस्ट्रो जो पोडा जो होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो पोडा जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल में हमने देखा था स्नेल का। हाँ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम हो रहा है, हो रहा है ना, तो सब बायोलॉजी में शेयर किया आप तो मैं ओवर 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 हेलो ओवर हूँ मैं। अच्छा, ये क्या नाम है, एक सेकंड ना संजना। स्टूडेंट लोग को शायद ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी वाला जो क्लास जो मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके जरा उसमें शेयर कीजिए। तो ठीक यस है, ये स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा में एग्जांपल में हमने स्नेल देखा था, ठीक है। बाइमेलिया की बात करें, है ना, तो बाइमेलिया जो होते हैं, ठीक है, बाइमेलिया में हमने क्या देखा था, यूनियो को देखा था हमने, यूनियो, ठीक है। और ये आपका जो इसका जो सिफेलोपोडा जो है ना, सिफेलोपोडा के एग्जांपल में हमने देखा था, क्या देखा था सिफेलोपोडा में, ऑटोपस, ठीक है। स्नेल की बात करें, है ना, स्नेल की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि जो गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं, है ना, ये लार्जेस्ट क्लास होता है, ठीक है, क्या होता है, लार्जेस्ट क्लास होता है। इसके पास टार्सन पाया जाता है, टार्सन, ठीक है। टार्सन में एक्चुअली क्या होते हैं, इनके बॉडी के जो इंटरनल वाले जो पार्ट जो होते हैं, ठीक है, इस इंटरनल वाले पार्ट में ये ऐसा सा क्या हो जाते हैं, एक संरचना पाया जाता है इनमें, ठीक है, ये ऐसा एक संरचना पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो एनस जो होता है, ये सिर के ऊपर में पाया जाता है, ठीक है, सिर के ऊपर में एनस इसलिए पाया जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से समय जो उनकी जो लेयर्स जो होती है वो एक्चुअली सेंटर में आ जाती है, जहां पर इनका पीछे की ओर होना चाहिए था वो आगे की ओर हो जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, एग्जाम्पल में स्नेल, और ये लार्जेस्ट फाइलम लार्जेस्ट क्लास होता है, और इनके पास टार्सन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, टार्सन पाया जाता है। अब सेकंड नंबर में बात करते हैं बाइवेलिया का, ठीक है। तो बाइवेलिया के बारे में मैंने बताया था कि बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और वेलिया का मतलब होता है कपाट, है ना। तो जिनके पास दो कपाट पाए जाते हैं वो बाइवेलिया होते हैं। तो बाइवेलिया में एक ऐसा ऐसा ये संरचना हमने देखा, ये एक कपाट और ये दूसरा कपाट, ठीक है, और इनका जो पैर जो होते हैं ये इस तरह से इनमें जीभ के आकृति में ये निकला रहता है, ठीक है। तो ये जो जीभ के आकृति में जो निकला रहता है, एक्चुअली ये इनके पैर होता है, ठीक है, और यहाँ पर दो कपाट आपको मिल रहा है बाई वाली, ठीक है, दो कपाट, और इनका एग्जाम्पल है। अच्छा, एक मिनट, तो हम कॉल कर रहे हैं, क्लास टाइम में कॉल करते हैं लोग। सब में यही समस्या ठीक है, बाइवेलिया, ठीक
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीफेलोपोडा का, ठीक है। सीफेलोपोडा में मैंने बताया था कि सीफेलो का मतलब होता है हेड होता है, सीफेलो का मतलब हेड होता है, जबकि पोडा का मतलब होता है पैर, फुट होता है, पैर होता है, ठीक है। तो सीफेलोपोडा ऐसे क्लास होते हैं जिनके अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जिनके ब्रेन में, जिनके सिर पे क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, ठीक है। जिनके सिर पे पैर पाया जाता है, ठीक है, जिनके सिर पे पैर पाया जाता है, ठीक है, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में हमने बात किया था कि जो ऑक्टोपस जो होता है ये पृथ्वी का मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल में से एक है, ठीक है। क्या बताया था, मोस्ट इंटेलिजेंट के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट के नाम से ये जाना जाता है जो ऑक्टोपस है वो, ठीक है। इसके बाद हमने एक बार और बात किया था इसके बारे में कि ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस के पास एक इंक पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, इंक पाया जाता है, ठीक है, इंक ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, इंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये उनकी जो शत्रु जो होते हैं, है ना, इनके जो दुश्मन जो होते हैं, उनके दुश्मन को इंक ग्लैंड के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और वो फिर उसको क्या कर देते हैं, वो शिकार कर लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इसमें, क्या बताया था, कि इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है, क्या बताया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ टॉपिक जो है वो कल के क्लास में हो गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका रिविजन, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसे कहा जाता है डेंटेलम कहा जाता है, डेंटेलम, ठीक है। डेंटेलम जो होता है वो एक आपका जो मोलस्का का एनिमल्स है, ठीक है, मोलस्का का मेंबर है, एनिमल्स है, ठीक है, जिसको एक अलग क्लास में रखा गया है, ठीक है। वो क्लास का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है उतना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि इस जो डेंटेलम जो होते हैं, इस डेंटेलम को एक नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है टस्का सेल कहा जाता है, ठीक है। क्या होते हैं, टस्का सेल कहते हैं, सेल की चोटी जो होता है वो कवच होता है, ठीक है, सेल जो होता है वो क्या होते हैं, कवच होता है, ठीक है। जबकि टाश जानते हो, टाश किसके लिए यूज करते हैं, टाश कभी नाम सुने हो, टस्क नाम सुने हो, ये टस्क जो है वो कहां यूज होता है, हाथी, हाथी के लिए कहीं भी यूज होता है, हाथी के जो दांत होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस टस्क का मतलब होता है हाथी के दांत नुमा, ठीक है, हाथी के क्या होते हैं, दांत नुमा पाए जाते हैं। देखिए ये हाथी का दांत है, एक मिनट, ठीक है, ये हाथी का दांत है, ठीक है, क्योंकि टस्क का मतलब होता है हाथी के दांत नुमा, सेल मतलब होता है कवच, ठीक है। तो ये आपका जो डेंटेलम जो होता है, जो मोलस्का है, वो हाथी के दांत नुमा होते हैं, ठीक है, और ये ऐसा इनमें, ये ऐसा हाथी के दांत नुमा संरचना है, और यहाँ पर ये ऐसा निकला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैर है, फुट, ठीक है। तो डेंटेलम को याद रखना, डेंटेलम जो होता है वो हाथी के दांत नुमा दिखाई देते हैं, इसलिए डेंटेलम को क्या बोलते हैं, टस्क सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा टस्क सेल, सेल के नाम से, के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी संजना,
यस सर। सर स्क्रीनशॉट कौन से ग्रुप में भेजना है? जो 11 फाइल होती है ना, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लोग शेयर किए होंगे, देख लीजिए। यस यस, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसी में शेयर कर दीजिए, ठीक है। वो मेरे तरफ भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो आधा घंटा के बाद ही तो स्टार्ट हुआ है क्लास पूरा, पता नहीं आज नेटवर्क वजह का है या हो सकता है वो, क्योंकि सभी स्टूडेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इतना है कि वो शायद सर्वर उधर ही क्या, जहाँ से एप्स बना हुआ है वहीं से प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया ना, मिटा दूं? यस सर। कैसे थी डोमेश्वरी, आवाज पहुंच रही आपके पास? ठीक है, तो बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में, बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब कि इनमें जो मोलस्का जो होते हैं, मोलस्का में ये क्या बोलते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में उत्सर्जन की प्रक्रिया कि आपके जो मोलस्का जो होते हैं, ठीक है, मोलस्का जो होते हैं, देखिए अभी आप लोग थोड़ा रुक जाइएगा 10 मिनट, ठीक है, कोई क्लास से बाहर नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है। वो क्या है, क्लास ऑलरेडी लेट से हुआ है प्रॉब्लम होने की वजह से, तो मैं तुषार सर को मतलब बोल रहा हूँ कि 10 मिनट थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट अभी रुकिएगा सभी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो है वो मान के चलिए कि ये इतना जो आपका मोलस्का का संरचना है, ये मोलस्का ऐसे भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये मोलस्का है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट जो रहता है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, और हमने देखा था कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये तो एनस वाला पार्ट यहाँ से भी रहता है, और एक पार्ट जो होता है वो ऊपर से भी जुड़ा रहता है ऐसा, यहाँ से, ठीक है, एनस, ठीक है। तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो मेन जो पार्टिसिपेट जो करता है, ठीक है, इसे कहा जाता है कि मीडियम, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है कि मीडियम कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, टीनिडियम, ये सी है ना, सी साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो टीनिडियम के द्वारा, ठीक है, टीनिडियम के द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे एक इस आर्गन को एक और नाम से जाना जाता है, आर्गन ऑफ पैजना कहा जाता है, पैजना, ठीक है। क्या कहा जाता है इस आर्गन को, आर्गन ऑफ पैजना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी की किताब में वो नाम दिया गया है कि ये जो संरचना जो है, ठीक है, ऑर्गन ऑफ जो पैजनेट जो है वो किसी के अंदर के फ्लैट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इस ऑर्गन्स को एक्चुअली कहा जाता है केपर्स ऑर्गन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से फाइलम में, ठीक है, कौन से फाइलम में केपर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से फाइलम में केपर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो केपर्स ऑर्गन जो होते हैं आपके मोलस्का के मेंबर्स में पाए जाते हैं। और ये एक्चुअली किसका डायग्राम है मालूम है, ये जो मैं डायग्राम जो बनाया हूँ ये हृदय है, ठीक है, मोलस्का का ये हृदय है। तो मोलस्का के हृदय में पाए जाते हैं केपर्स ऑर्गन, ठीक है, याद रखिएगा, केपर्स ऑर्गन जो होता है वो मोलस्का के हृदय में पाए जाते हैं। और इसके हृदय में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं,
फ्लूट पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, फ्लूट पाए जाते हैं, और इस फ्लूट को कहा जाता है पेरिकार्डियम फ्लूट कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूट कहा जाता है, और इस पेरिकार्डियम फ्लूट जो होते हैं वो यहाँ पर पतली सी मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, ठीक है, पतली सी मेम्ब्रेन से घिरी रहती है जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। बोलिए सर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स ऑफ जो अटैचमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं से भी क्या होता है, जुड़ा रहता है उनके इनके जो जो निर्यात जो होते हैं वहां से, ठीक है, और इन्हीं से भी क्या कर देते हैं, एसिड कर देते हैं, ठीक है, इसका करने का मतलब ये है कि इनमें मोलस्का में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, मोलस्का में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, मोलस्का में जो अपशिष्ट पदार्थ को लाने का जो मेन काम जो करता है वो ऑर्गन्स ऑफ पेजमेंट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑर्गन्स ऑफ पेजमेंट और केबर्स जो ऑर्गन है ये है ना, केबर्स ऑर्गन जो होते हैं आपके मोलस्का के हार्ट जो उनके जो हृदय होते हैं उनमें पाया जाता है, और यही जो ऑर्गन्स जो होते हैं ये आपके जो टिनेडियम तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जो आपका जो फाइनम है वो कल शुरू होगा, लेकिन आज रिप्रोडक्शन वाला इनका एक पॉइंट और है, रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन थोड़ा पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो अगला है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन मोलस्का, यहाँ पर मोलस्का में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो मोलस्का में इनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके लिए कि इनका जो नर और मादा की जो शरीर है ना, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये डायरेक्टियस होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, डायरेक्टियस होते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन बट है ना, बट सम जो होता है वो मोनोसियस भी होता है, ठीक है, सम क्या होता है, मोनोसियस भी होते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कई डायरेक्टियस भी होते हैं और मोनोसियस भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो नर और मादा का जो होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं, और कई ऐसे जीव होते हैं जिनमें दोनों एक साथ भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मोनोसियस के बारे में, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मोनोसियस में आपको दो एग्जांपल दिखेगा, ठीक है, मोनोसियस में दो एग्जांपल, एक एग्जांपल है डोरिस, ठीक है, एक एग्जांपल को डोरिस कहते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल है एप्लासिया, ठीक है, यहाँ पर दो याद रखना, मनुष्यस जिसे मनुष्यस में दो डोरिस और जो एप्लासिया जो होते हैं ये दोनों उनका एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी की किताब में भी दिया गया है, और यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है कि जो डोरिस जो है ये सभी समुद्र के अंदर में पाए जाते हैं, तो इस डोरिस को एक नाम से जाना जाता है, और ये नाम है सी लेमन, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनिमल्स सी लेमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो सी लेमन के नाम से जाना जाता है डोरिस, जो मोनेशियस होते हैं, मोलस्का का मेंबर है, ठीक है, अब आप जानते हैं कि सी का मतलब होता है समुद्र और लेमन का मतलब होता है नींबू, ठीक है, तो ये समुद्र के नींबू के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी संरचना को संरचना जो होती है वो नींबू के समान होता है, ठीक है,
ठीक है, नींबू के समान इसकी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको सी लेमन कहा जाता है। और वही एप्लाशिया, एप्लाशिया को सी हेयर कहा जाता है, सी हेयर नाम सुने हो, सी हेयर ठीक है। अब सी मतलब समुद्र और हेयर का मतलब होता है खरगोश, ठीक है, हेयर को क्या बोलते हैं, खरगोश, ये खरगोश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एप्लाशिया जो है, इसको एप्लाशिया मतलब इसको सी हेयर कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे खरगोश का कान देखे होंगे, खरगोश का कान जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, वैसे ही इनका भी वैसे ही शेप पाया जाता है, ठीक है, खरगोश के, ठीक है, खरगोश के कान जैसे संरचना पाई जाती है। देखिए खरगोश का ये दोनों कान है, ठीक है, और बाकी का बॉडी ऐसा रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको से हेसी हेयर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना जो होता है खरगोश के कान के समान या खरगोश के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको सी हेयर कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये ओविपेरस होते हैं, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि ओविपेरस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट दिया है। और आपके एनसीईआरटी की किताब में और आपके छत्तीसगढ़ की भी किताब में एक पॉइंट और यहाँ पर दिया है, जिसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये दोनों टर्म दिया है आपके एनसीईआरटी में, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, ठीक है, देखिए मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि मान लीजिए इन्होंने अंडा बनाया, ठीक है, एक बनाया अंडा, और ये एक जो होते हैं, ठीक है, जो एक जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अंडे से क्या बनता है, लार्वा। अब ये जो लार्वा जो होता है वो बेबी बना लेगा, बेबी, ठीक है, पहले अंडा बनेगा, अंडा से लार्वा बनेगा और लार्वा से बेबी बनते हैं, तो इसको क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस, या इसी को कहा जाता है ओविपेरस भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ का एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, जितने पाए जाते हैं वो एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बटरफ्लाई, ठीक है, आपकी जो बटरफ्लाई जो होता है, तितली जो होता है, आप तितली को देखना, वो हमेशा एक उनके जो अंडा जो होता है वो लार्वा जैसे दिखाई देते हैं, और आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये तितली है, बटरफ्लाई क्या है, और वो जो जो लार्वा जो होता है वो बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई जैसे, क्योंकि इनमें लार्वा स्टेज पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाया जाता है, लार्वा स्टेज में होने की वजह से, ठीक है। एक पॉइंट और इनका एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्रॉग, आप देखे होंगे मेंढक का जो लार्वा होता है, ठीक है, क्योंकि मेंढक का जो नर और मादा का जो अंडा जो होता है, नर और मादा अपने अपने अंडे को क्या करते हैं, वो पानी में छोड़ देते हैं, है ना, और पानी में जब छोड़ देते हैं तो वहां पर दोनों फ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, उनकी निषेचन जो होता है वो पानी के अंदर में होता है, ठीक है। और वो जो अंडा जो होता है, मेंढक का जो अंडा जो होता है, ठीक है, ये लार्वा में चेंज हो जाता है। अब इनका जो लार्वा ऐसा है कि ये मछली की तरह दिखाई देता है, मेंढक का जो लार्वा जो होता है वो मछली की तरह दिखाई देता है, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मछली है या मेंढक है, है ना, तो मछली के अंडे जैसे, मछली के जैसे इसका लार्वा दिखाई देते हैं, और ये लार्वा फिर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो एक प्रकार की प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस में सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है, फिर उसके बाद एक बेबी बनता है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आपका मोलस्का वाला टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है। कल के क्लास में आज विचुअली नेटवर्क या आपका जो अटैचमेंट पे प्रॉब्लम होने की वजह से आज क्लास थोड़ा लेट भी हुआ, है ना, तो कल के क्लास में, ठीक है, कल के क्लास में आपका एक डायनोडर्मेटा हम शुरू करेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है, सी यू, कल मिलते हैं।